फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नायका का एक मिनी हॉल। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने नायका से कुछ प्रोडक्ट्स जो थे वो ऑर्डर किए थे, जो कि अबव 1000 रुपीस के थे, और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कौन से प्रोडक्ट जो हैं वो रिस्टॉक किए हैं और कौन से मैंने न्यू बाय किए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर गिव अवे स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वीडियो को देखकर उसके रूल्स फॉलो करके गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, मैंने नायका से जो प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे उसमें से एक प्रोडक्ट तो मुझे इतनी बुरी हालत में रिसीव हुआ है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, और मैं आपको अभी दिखाऊंगी भी कि कौन सा प्रोडक्ट जो मुझे बुरी हालत में रिसीव हुआ है। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है, और फ्रेंड्स मैं एकदम से शॉक थी प्रोडक्ट को देखकर कि नायका से कभी भी मुझे इस तरह का प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ जो कि इस बार हो गया है। पर चलिए कोई बात नहीं, लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि फर्स्ट टाइम होती हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने क्या रीस्टॉक किया है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने मंगवाया है शहनाज हुसैन का ये कलर वेदा नेचुरल हेयर कलर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि शहनाज के कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वो मार्केट में फेक भी आते हैं, सो आपको शहनाज हुसैन के प्रोडक्ट्स बड़े ऑथेंटिक ही बाय करने चाहिए और आपको ऑथेंटिक वेबसाइट से ही बाय करने चाहिए। तो मैं तो इस चीज़ में बड़ा ही ध्यान रखती हूँ कि मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ ऑथेंटिक ही बाय करूँ। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये 100% केमिकल फ्री है, ऑर्गेनिक प्लांट हेयर कलर है ये, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सील पैक्ड है, बिल्कुल सील पैकेजिंग है इसकी, और मैंने इसे ओपन नहीं किया। इसके ऊपर मेंशन है कि इसके अंदर आपको एप्लीकेटर, ग्लव्स और शावर कैप फ्री मिलती है, और इसकी MRP है 210 रुपीज़। लेकिन अगर आप इसे नायका से बाय करते हैं तो कुछ भी ऑफ नहीं मिलेगी, जैसे कि मुझे कोई ऑफ नहीं मिली, मुझे ये 210 का ही पड़ा है। लेकिन अगर आप इसे शहनाज हुसैन की वेबसाइट से बाय करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको 25-30% ऑफ तो इजीली मिल जाती है, लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन रहती है कि आपको कम से कम 500 रुपये के प्रोडक्ट बाय करने हैं। सो मुझे लगा कि मुझे 210 रुपये का प्रोडक्ट बाय करने के लिए पहले 500 रुपये खर्चने पड़ेंगे, सो मैंने सोचा कि उन्होंने नायका से ही मंगवा लेते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब शहनाज हुसैन का कोई प्रोडक्ट मुझे ट्राई करना होगा तो मैं 500 से अबव की शॉपिंग वहाँ से कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने ये मंगवाया है और ये मैंने अभी ओपन किया है आपके सामने ही, तो चलिए देख लेते हैं इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। इसमें ना 2 से 3 शेड्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन मैं जो मंगवाती हूँ मैं ब्लैकिश ब्राउन वाला मंगवाती हूँ, और इसकी क्वांटिटी आपको 100 ग्राम मिल जाती है। और इसकी जो वीडियो है ना, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, इनकी वीडियो का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। सो ये है फ्रेंड्स वो हेयर कलर, आप देख सकते हैं इस तरह की पैकेजिंग में आता है, और ये मेरा ना कम से कम 3 बार तो निकल ही जाता है, बिकॉज मैं सिर्फ इसे रूट्स में ही अप्लाई करती हूँ जहाँ पे मेरे ग्रे हेयर्स होते हैं, मैं इसे पूरे बालों में अप्लाई नहीं करती। और ग्रे हेयर्स को कैसे कवर करता है ये, ब्लैकिश ब्राउन कैसे बनाता है, उसके लिए फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाली जो वीडियोज हैं वो वॉच करनी होगी, तभी आपको पता लगेगा कि ये एक्चुअल में किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए अंदर से देख लेते हैं कुछ निकला है। यस, इसके अंदर से फ्रेंड्स ये ग्लव्स निकले हैं, और साथ में एक शावर कैप है, और साथ में एक ब्रश है, हेयर ब्रश। तो ये काफ़ी इजीली पैकिंग में आ जाता है, और आपको हर बार एक, मैं कहूँगी पैकेट के साथ एक हेयर ब्रश फ्री में मिल जाता है, और हेयर कैप भी, शावर कैप भी आ जाती है। और मेरे पास ये कितनी सारी इकट्ठी हो चुकी हैं, सो मैं जब ये ख़राब हो जाती है ना, पहले मैं एक ही यूज़ करती हूँ, जब ख़राब हो जाती है फिर मैं नेक्स्ट यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से ये शावर कैप मिल जाती है, काफ़ी अच्छी शावर कैप है आप देख सकते हैं, और साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये मिल जाता है। और ये तो मेरे पास काफ़ी इकट्ठे हो चुके हैं ये भी, बिकॉज मैं एक ही बबीला का ही यूज़ करती हूँ, और ये मैं ना स्टॉक में रखती रहती हूँ, मेरे को बड़ा शौक है ऐसी चीज़ें जो होती है ना वो स्टॉक में रखने का। सो ये प्रोडक्ट जो था मैंने मंगवाया है, 210 रुपीज़ का मुझे मिला है। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने एक नेल पेंट ऑर्डर की थी, और ये जो नेल पेंट है ना, इसके मैंने रिव्यूज़ चेक किए। रिव्यूज़ चेक करने के बाद मैंने देखा कि नेल पेंट्स के जो शेड्स होते हैं ना, वो आपकी स्किन टोन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर सूट करते हैं या फिर नहीं करते। तो मुझे रिव्यूज़ देखने के बाद पता चला कि मे बी ये जो टोन है, ये जो शेड है, मेरी स्किन टोन पे वर्क कर जाए, मुझे एक न्यूड शेड चाहिए था। सो मैंने के ब्यूटी का ये नेल पेंट मंगवाया है, जिसकी MRP मैं आपको बताती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा थी, और इसका जो शेड नेम है रॉकी रोड 23।
और इसकी क्वांटिटी मुझे 9 ml मिली है, और जो भी इसका MRP है ना मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी, लेकिन ये मुझे कुछ ऑफ पे मिल गया सो मैंने इसे बाय किया है। और इसका जो शेड है वो कैसा है वो तो मुझे अप्लाई करने के बाद ही पता चलेगा, अभी मैंने इसे ओपन नहीं किया, मैंने जस्ट अभी अनबॉक्सिंग ही आपके साथ शेयर की है। सो के ब्यूटी के नेल पेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, मैंने इसका एक शेड ट्विंकल्ड करके कुछ मैंने ट्राई किया हुआ है, टिंकल्ड पिंक ऐसे कुछ करके पिंक कलर का शेड था, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन इस बार कुछ न्यू शेड्स ट्राई करने का मन था सो मैंने इसे मंगवाया है। इसका जो क्या शेड है क्या स्वाच है वो मैं आपके साथ एक शॉर्ट वीडियो में या फिर इंस्टाग्राम पर शेयर कर दूंगी। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि मैंने एक लिपस्टिक मंगवाई थी, और वो जो लिपस्टिक है ना वो मुझे बड़ी बुरी हालत में रिसीव हुई है। वो क्या है वो मैं बताती हूँ, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स मुझे फ्री में आए हैं इन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ, और मैंने जब कार्ट बनाया ना तो मैंने 3 प्रोडक्ट कार्ट में डाले, और मैंने देखा कि मेरे कार्ट में 5 प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं। मैंने जाकर फटाफट से कार्ट को चेक किया तो मैंने देखा कि मुझे 2 प्रोडक्ट जो हैं वो फ्री में मिल रहे हैं, और मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। मैं इतनी खुश हो गई कि वाह भाई, मेरे को 1000 की शॉपिंग करने पर 2 प्रोडक्ट फ्री में मिल रहे हैं, वो भी लॉरियल के। सो फ्रेंड्स मुझे मिला है लॉरियल प्रोफेशनल पेरिस का ये हेयर मास्क, और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इसे ट्राई करती, लेकिन ये मुझे फ्री में आया है। एब्सोल्यूट रिपेयर प्रोटीन प्लस गोल्ड किनोवा, और फ्रेंड्स ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आया है, इसके ऊपर मेंशन है नॉट फॉर सेल, और अंदर से ये कुछ इस तरह का है, तो मुझे लगता है कि फ्रेग्रेंस तो इसकी बहुत अच्छी है, तो मैं इसे जल्दी ही ट्राई करके ना इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह से ये वर्क करता है। वैसे भी मुझे एक हेयर मास्क चाहिए था, तो फ्री में आ गया है तो मैं तो ज़रूर ट्राई करने वाली हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स मुझे ये एक बुकलेट सी आई है, और इसके ऊपर ना इस तरह से प्रोडक्ट दिए हुए हैं, मुझे समझ नहीं आई कि ये बुकलेट क्यों मुझे आई है, पर इन्होंने आई थिंक कुछ फ्री में रखा होगा। लॉरियल प्रोफेशनल पेरिस के ही हैं ये भी, एब्सोल्यूट रिपेयर रेंज से हैं, और शैम्पू है ये सीरम है, और ये लिव इन मास्क है। इसमें एक शैम्पू दिया गया है, एक सीरम है, और एक लिव इन मास्क है, तो इसे भी मैं ट्राई कर लूँगी, बिकॉज सैशे हैं तो आई थिंक 1 टाइम यूज़ के सैशे हैं, तो मैं ट्राई करके देखूंगी कि ये किस तरह से वर्क करता है। लॉरियल पेरिस के मैं हेयर प्रोडक्ट्स कम ही यूज़ करती हूँ, लेकिन अब आ गए हैं तो ट्राई करना तो बनता है। तो ये दोनों प्रोडक्ट तो मुझे फ्री में आए थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी लिपस्टिक जो है वो कौन सी मैंने बाय की थी, इतनी महंगी लिपस्टिक मैंने बाय की ना, और उसकी जो कंडीशन थी वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसी थी। मैंने फ्रेंड्स के ब्यूटी की लिपस्टिक बाय की, यहाँ पे साइट में मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका मैंने डायलॉग शेड जो था वो बाय किया है, 999 इसकी MRP है, और मुझे ये 809 rupees की पड़ी थी, ओनली 19% ऑफ इसके ऊपर मिली मुझे, और थोड़े दिन बाद मैंने देखा इसके ऊपर 25% ऑफ लगी हुई थी। तो मैं आपको कंडीशन दिखाना चाहूँगी यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने लिपस्टिक को ओपन किया तो ऊपर से लिपस्टिक पूरी ही डैमेज है। तो अभी मैं आपको लिपस्टिक क्यों नहीं दिखा पा रही पता है, बिकॉज मैंने लिपस्टिक को रिटर्न में डाला है, मैंने नायका वालों को उसी टाइम रिटर्न में डाल दिया जब मैंने देखा कि मेरी लिपस्टिक की हालत इतनी ख़राब है। तो लिपस्टिक जैसे ओपन की तो एक तो ऊपर से वो बिल्कुल डैमेज थी, और पूरी लिपस्टिक ही उसमें से बाहर आ रही थी कंटेनर में से, तो मैंने फटाफट से नायका वालों को रिटर्न डाली है रिप्लेसमेंट की, और रिप्लेसमेंट में देखते हैं कि अब कैसी लिपस्टिक आती है। अभी तो मैंने रिप्लेसमेंट डाली है, आई होप कि अब अच्छी लिपस्टिक भेजें, बिल्कुल ठीक भेजें, बिकॉज अगर अभी भी अच्छी लिपस्टिक नहीं आती, ठीक नहीं आती, तो मुझे फिर इसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये जो डायलॉग शेड था ये काफ़ी प्यारा लगा था मुझे, मैंने इसका ना शोरूम पे स्वाच किया था, तो मैंने सोचा था क्यों ना इसे बाय कर लूँ, बड़ा प्यारा शेड है, ऑरेंज सा शेड है। इसका मैं स्वाच भी आपको नहीं दिखा सकती बिकॉज लिपस्टिक ही डैमेज आई थी, तो मैंने उसे रिटर्न में डाल दिया है। तो फ्रेंड्स मुझे थोड़ा सा लगा कि फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि नायका से कोई प्रोडक्ट मुझे इस तरह से डैमेज मिला है। आई होप फ्रेंड्स कि जो लिपस्टिक्स होती है ना वो तो कम से कम डैमेज नहीं मिलनी चाहिए, और इतनी महंगी लिपस्टिक आप बाय कर रहे हैं उसके बाद आपको डैमेज प्रोडक्ट मिलता है तो थोड़ा सा दुख तो लगता ही है। लेकिन अब देखते हैं कि नायका वाले इसका क्या करते हैं, कैसे ये मुझे अच्छी लिपस्टिक भेजते हैं, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में भेजते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जैसे ही रिप्लेसमेंट हो जाएगी। जल्दी ही मैं आपके साथ प्रोडक्ट रिसीव हो जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह की लिपस्टिक मुझे फिर से आई है। तो फ्रेंड्स ये सारे प्रोडक्ट जो थे मैंने बाय किए थे, और जो फ्री प्रोडक्ट आए हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं।
आई होप फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं हम हमारी नई वीडियो के साथ।